तो गाइस पिछले पार्ट में आपने देखा ही होगा कि हम लोगों को मिल चुका है गॉड आर्मर, जो कि गाइस माइनक्राफ्ट का सबसे पावरफुल आर्मर है। और आप लोग तो जानते ही होंगे ना कि जिसके पास गॉड आर्मर है माइनक्राफ्ट में उसको कोई हरा भी नहीं सकता है। ओए। और गाइस पिछले पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारी टेस्टिंग भी की थी, जैसे गाइस वेदर हो गया और इंडर ड्रैगन हो गया, उनको सबको एक एक हिट में मार दिया या तो वो अपने आप ही मर गए। और गाइस अब समय आ चुका है माइनक्राफ्ट के गॉड आर्मर का असली इस्तेमाल करने का। लेकिन उससे पहले गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, ये देख लो। ओए बात तो सही कही है मुन्ना, ओनली 56% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, और 43% लोगों ने ओनली सब्सक्राइब किया है। तो कर दिया करना यार, इससे हम लोग को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। चलिए भैया कोई बात नहीं, अब ये लोग तो हमारी बात ही नहीं मानते। चलिए भैया कम से कम शाउट आउट ही दे देते हैं। ओए बात सही कही, शाउट आउट देने का मुन्ना मजा ही कुछ अलग होता है। ओए तो तुम लोग तो जानते हो जैक का एक ही शाउट आउट रहता है, वो भी तोड़ने फोड़ने वाला 2.5 किलो वाला शाउट आउट। कुछ लोग पूछ रहे थे 2000 किलो का कहाँ चला गया शाउट आउट, तो आज मैं दूंगा सबको 2000 किलो का शाउट आउट। और तोड़ दो और फोड़ दो, और कॉमेंट सेक्शन में तुम लोग तो भसड़ मचा ही देते हो जैसे कल मचा दिया था, तो आज भी मचा के आ ही जाना। ओए और गाइस मेरी तरफ से सभी को एकदम बड़े वाला शाउट आउट, वर्ल्ड का गाइस सबसे बेस्ट शाउट आउट आपके लिए यार, क्योंकि गाइस आप ही हमारे दोस्त हो ना यार। ओए मुन्ना अभी तक ये आग जली रही है। हाँ भैया वो आग नहीं बुझेगी, क्योंकि भैया पिछली बार हम लोगों ने इसी की मदद से हम लोगों ने गॉड आर्मर को स्पॉन किया था भैया। ओ मुन्ना पिछली बार तो एकदम मजा ही आ गया था, क्या नजारा देखने को मिला था जब गॉड आर्मर स्पॉन हो रहा था। ओए नमूने तुम कहाँ से आ गए, ओए अपने आप ही मर जाओगे। हे भैया मजा तो तब भी आया था ना, जब भैया वेदर को हम मार भी नहीं रहे थे फिर भी अपने आप ही मर जा रहा था ना। ओ मुन्ना वो नजारा तो एकदम देखने ही लायक था, और इंडर ड्रैगन को तो मुन्ना एक एरो में मार दिया। हाँ भैया वो तो मजा ही कुछ अलग था ना। ओए मुन्ना मजा क्या, पूरा माइनक्राफ्ट एक झटके में हम लोगों ने खत्म कर दिया। हाँ भैया एक झटके में पूरी गेम खत्म हो गई थी, मजा ही आ गया था भैया। ए भैया ये कहाँ कूद गए, और मुन्ना गलती हो गई। हे भैया इंड पोर्टल के अंदर क्यों कूद गए, ओए मैं जंप मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन गलती से इसी के अंदर आ गया। हे भैया आप बिना अब चलिए भैया पोर्टल तक, मैंने भैया कितना इंतजाम करके रखा था कि भैया आज हम लोग कुछ नया ट्राई करेंगे, आप बिना भैया, अब भैया इंडरमैन से क्यों पंगा ले रहे हैं। ओए मुन्ना इनको पंगा लेने से क्या, ये देख खुद ही मर जा रहा है तो इनसे पंगा लेने की जरूरत ही क्या है, ये ले। ओए ये क्या लगी नहीं है भैया, पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं, चलिए भैया हम लोग चलते हैं। ओए पंगे की बात कहाँ से आ गई, ये लोग खुद ही मर जाएंगे अपने आप ही। हे भैया फिर भी हम लोग के पास, मैं कुछ नया सोच कर रखा हूँ भैया। ओए क्या नया सोच कर रखा है, हे भैया घर चलते हैं फिर बताता हूँ ना। ओए तो तब तक इंडरमैन को मार लो ना। हे भैया इनको छोड़िए, इनको क्या मार रहे हैं बेचारों को। ओए मुन्ना भैया बेचारे कब से हो गए, इनको तो छोड़ूंगा नहीं, बहुत परेशान करते थे ना ये लोग। ओए मुन्ना लगता है तू भूल गया, इलाइट्रा लेते वक्त इन लोगों ने बहुत परेशान किया था। हे भैया छोड़िए ना, हम लोग घर चलते हैं। भैया इलाइट्रा की बात ही कुछ अलग थी, अब तो भैया हम लोग के पास गॉड आर्मर है। ओए ये देख अपने आप ही आ गया और अपने आप मर भी गया। हे भैया छोड़िए ना, आज भैया मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जिसके ऊपर भैया हम लोग गॉड आर्मर का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओए क्या चीज़ है, हे भैया एक देख रहे हैं, किसका है भैया बोलिए ना। ओए मैं क्या जानू किसका एग है, ओए मुन्ना शायद से चिकन का एग होगा। हे भैया चिकन का एग नहीं है। हे भैया उस बार तो आपने वेदर को भी देखा था, इंड ड्रैगन को भी देखा था। ओए मुन्ना ओली देखा नहीं था, तोड़ा भी था और फोड़ा भी था। हाँ भैया वो बात तो ठीक है, लेकिन भैया अगर वेदर और ड्रैगन आप एक साथ लड़े तो क्या होगा। ओए वो क्यों लड़ेंगे आपस में, हे भैया आपस में नहीं, दोनों मिलकर हमसे लड़े तो। ओए ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इंडर ड्रैगन तो इस वर्ल्ड में आ ही नहीं सकता ना। हाँ भैया आ तो नहीं सकता, लेकिन भैया दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके एक भैया एक बना है, जो कि भैया वेदर ड्रैगन कहे गए। ओए ये क्या स्पॉन भी कर दिया मुन्ना, हाँ भैया मैंने स्पॉन कर दिया। ओए तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। हे भैया खतरनाक तो अब होने वाला है, तैयार हो जाइए भैया। ओए मुन्ना तेरा भैया तो हमेशा तैयार रहता है, लेकिन इसका मुंह तो देख ले। हाँ भैया इसके पास मुंह ड्रैगन का है, पावर्स भैया वेदर की है, मतलब कि भैया दोनों का कॉम्बिनेशन है। और भैया वेदर स्कल भी फेंकेगा ये, और भैया ड्रैगन ब्रीथ भी मुंह से फेंकेगा। ओए तब तो मुन्ना दोनों बहुत पावरफुल होंगे मिलकर ना। हाँ भैया तभी तो बोल रहा हूँ ना। ओए तो रुक जाए, इनको भी तोड़ते फोड़ते हैं। और क्या हम लोग के पास गॉड आर्मर है मुन्ना, हाँ भैया गॉड आर्मर है, लेकिन भैया ये दोनों भी बहुत खतरनाक है। ओए खतरनाक नहीं ये वो है, बताता हूँ रुक जा अभी बताता हूँ। ओए कहाँ चले गए, बिजली कड़का रहे हैं। ओए ये लगा निशाना, अभी नहीं लगा अब लगेगा, ये लग गया, देखा मुन्ना एक झटके में मार दिया ना। ओए ये क्या अभी भी बिजली गिरा रहे हैं, हे भैया मैं तो सोचा भी नहीं था एक झटके में मर जाएंगे। इनकी तो भैया ठक टिकी हो गई।
और ठाक ठीक है क्या मुन्ना, मजा ही नहीं आया है भैया? सचमुच मजा नहीं आया? और बिल्कुल सही बात है, मजा आया ही नहीं, मजा नहीं आ रहा है। और देखा ना, मैंने बोला था ना मजा नहीं आ रहा है भैया, तो चलिए मैं दोबारा स्पॉन करता हूँ। और दोबारा स्पॉन करने से मजा आ जाएगा क्या है भैया? इस बार आप कोई फाइट नहीं करेंगे, बस भैया उसको उड़ते हुए देखेंगे। और तो फिर तो मार जाएगा मुन्ना। नहीं भैया, इस बार देखना है थोड़ा सा भैया, आर्मर की भी टेस्टिंग करना जरूरी है, फिर भैया आपको मजा आएगा। और चल ठीक है, देख लेंगे। ओए लेकिन ये बिजली कहाँ से कड़क रही है? तो मर गया ना है भैया, कड़क रही होंगी। अभी तक भैया उसका इफेक्ट नहीं गया होगा। चलिए भैया तैयार हो जाइए, खाना खा लीजिए। ओए खाना वाना खाने जरूरत नहीं, जल्दी स्पॉन कर दे। हाँ भैया कर रहा हूँ, रुक जाइए। ओए मुन्ना लेकिन कुछ भी हो, डरावना लग रहा था देखने में। हे भैया मैं स्पॉन कर रहा हूँ, तैयार हो जाइए। ओए एवर रेडी मुन्ना। ओए ये क्या पीछे के, ओ ये क्या उड़ा दिया मुन्ना। हे भैया ये क्या कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया क्या? पावरफुल नहीं है। ओए ये क्या नीचे से स्कल निकल रहे हैं इसके। ओए ये क्या नीचे गिरा दिया है भैया, ये नीचे गिरा दिया। इतनी भैया बेइज्जती कर दी। ओए मुन्ना रुक जा, अभी बताता हूँ। हे भैया बो नहीं चलाइएगा, बस थोड़ा देखते जाइए। और रुक जा, चल ठीक है बो नहीं चलाऊंगा, अपने आप मारने देता हूँ। ओए कहीं मार ही ना दे। हे भैया कुछ ना करिएगा, थोड़ा सा देखते हैं। और देखना क्या मुन्ना फिर से नीचे गिरा दिया, हर बार ठक ठकी कर रहा है और क्या। और लगता है चलाना ही पड़ेगा। नहीं भैया अभी नहीं चलाइएगा, थोड़ा सा देखे ना, फाइट करने मजा आ दीजिए। ये क्या भैया अपने यहाँ भी मर गया ये तो। ओए मुन्ना ये आर्मर का कमाल है, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ भैया मैंने देखा है। ओए इस बार आया ना मुन्ना मजा, लेकिन भैया मुझको तो नहीं आया। ओए मुझको तो आया है मजा, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हे भैया इसमें तो मजा ही नहीं आया, मैं इसकी पावर और टेस्ट करना चाहता था। ओए पिगी से पूछ, ओए पिगी मजा आया कि नहीं? ओए ये क्या पिगी अलग ही भाव खा रहा है। ओए पिगी भाव वगैरह मत खाया कर, नहीं तो एक दिन बहुत मारूंगा तुझे। मेरे पास जानता नहीं गॉड आर्मर है, और इस समय जानता है तू भी कि इसके पास गॉड आर्मर है, वही इस समय का बॉस है। हे भैया क्या बात कर रहे हैं उससे भी। चलिए भैया अब थोड़ा सा घर की ओर बढ़ते हैं, और भैया जो मैंने सोच रखा है, चलिए भैया उस प्लान पर भी काम करने लगते हैं ना। ओए क्या प्लान सोच रखा है बताएगा तो। हे भैया बहुत अच्छा सोच रखा है। ओए चिकन तुझे पता है क्या हमारे पास गॉड आर्मर है? हे भैया आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप चिकन से बात कर रहे हैं। ओए चिकन सुन के रहे थे, रुक जा भी बहुत मारूंगा। हे भैया छोड़िए ना, हम लोग घर चलते हैं। हे भैया मैंने मना कर दिया ना, पता नहीं आप भी ना भैया चिकन से ही पंगा लेते रहते हैं। ओए बोल रहा था गॉड आर्मर, सुन ही नहीं रहे थी। हे भैया आप बिना, चलिए भैया खाना खाते हैं और जल्दी से भैया थोड़ा उधर चलते हैं। और भैया मैंने एक बहुत अच्छा प्लान सोच कर रखा है, उस पर थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं ना भैया। ओए कौन सा प्लान सोच रखा है? हे भैया वो क्या है सामने? ओए मैं क्या जानू कौन है। हे भैया ये तो कार्टून कैट है, यहाँ कैसे आ गई? ओए ये क्या, इसको भी ठिकाना पता ही चल गया क्या? ओए ये पीछे क्यों नहीं छोड़ रही मुन्ना? हे भैया फिर तो कार्टून डॉग भी होगा। और डॉग की आवाज तो कहीं से आ रही मुन्ना। हे भैया भागिए ना, अब लगता है पीछे ही है। ओए जल्दी से भाग, नहीं तो पीछे ही लग जाएगा। ओए वो रहा कार्टून डॉग। ओए कार्टून कैट और कार्टून डॉग दोनों एक ही साथ है। हाँ भैया ये लोग तो उस दिन से पीछा ही नहीं छोड़ रहे भैया, पता नहीं क्या दुश्मनी लेकर बैठे हैं। ओए तो मुन्ना आज इनका भी खात्मा कर ही देते हैं ना। हे भैया गॉड आर्मर से? ओए बिल्कुल सही बात है। ओए ये क्या पीछे ही लग गई? हे भैया मुझे नहीं लगता कि गॉड आर्मर इसके सामने टिक पाएगा। ओए तू कैसी बात कर रहा है, ये गॉड आर्मर मुन्ना। हाँ भैया ये तो मैं भूल ही गया था। हे भैया चलिए आज फिर इनकी भी बैंड बजा ही देते हैं। ओए तो मुन्ना चल हो जाए ना। हे भैया मैं रुक जाइए, खाना खा लूँ। और भैया सबसे पहले मैं कार्टून कैट को मारूंगा, क्योंकि भैया यही है जो इस तरह फुदकती रहती है। और भैया हम लोगों को कितनी बार मारा है ना इन लोगों ने। ओए मुन्ना तू कार्टून कैट की बात करता है, मैं इन दोनों को निपटाने की बात कर रहा हूँ। ओए कहाँ चली गई, ये कौन है? हे भैया ये घोड़ा है, इसको कोई ज़रूरत नहीं मारने की। ओए पता है, रुक जा। ओए कहाँ चली गई कार्टून कैट? ओए कार्टून कैट आज तू बचेगी नहीं, बहुत पंगा लेती है ना हम लोगों से, आज तू भी जान जाएगी किससे पंगा ले लिया तुम लोगों ने। ओए जैक द फाइटर से पंगा लेने का नतीजा यही होता है, अब तो हमारे पास गॉड आर्मर भी है, अब मुन्ना इन दोनों को छोड़ना नहीं है। हाँ भैया लेकिन वहाँ जाए कैसे भैया? क्योंकि भैया इन्हें भी हम लोग को मारने नहीं देना, क्योंकि भैया इनके पास भी बहुत सारी पावर है। बस भैया ये करना है, हम लोग की स्वॉर्ड इन्हें लग जाए किसी तरह से, और तो रुक जा लगेगी ना। ओए ये ले, ये क्या भैया मार दिया? ओए मार कैसे दिया? ओए ये आ रही है मुन्ना, रुक जा। ओए कार्टून कैट निकल ले। हे भैया फिर से मार दिया? ओए ये क्या मुन्ना खुद ही मर गई, और भैया हम लोग भी मर गए, लेकिन भैया हम लोग फिर से जिंदा हो गए। ओए ये तो कार्टून कैट तो मुन्ना निपट गई आर्मर से लड़ते ही। हाँ भैया आर्मर तो कमाल का निकला। चलिए भैया थोड़ा सा कार्टून डॉग से भी देख लेते हैं उसको भी।
ओए मुन्ना, कार्टून डॉग को देखने के लिए रुक जा, मेरी एक एरो ही काफी है, क्योंकि मुन्ना ये गॉड बो भी है ना, ये ले। ओए मुन्ना, ये तो मर गया एक ही एरो में। ए भैया, तो और भी कमाल का हो गया, धोती फाड़ के रुमाली हो गया। तो गाइस, हम लोगों ने फाइनली कार्टून कैट और कार्टून डॉग को भी मार दिया यार। ओए मुन्ना, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये लोग यहाँ तक कैसे आ गए। पता नहीं भैया, लगता है गॉड आर्मर की महक इनके पास भी पहुंच गई। ओए गॉड आर्मर ये भी पहनना चाहते थे क्या? अगर भैया ये लोग गॉड आर्मर पहन लेते ना, तब तो भैया हम लोग और भी ना जीत पाते। भैया शुक्र मनाइए, हमारे पास गॉड आर्मर था और मुन्ना गॉड वो भी था। और तुझे बहुत इंडर पोर्टल में जाने की जल्दी है क्या? निकल ले, चला गया। A few inches later. हे भैया, उधर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत खतरा है भैया। ओए मुन्ना, लेकिन जहाँ तो पड़ेगा ही नहीं, इतने सारे आ कहाँ से गए? हे भैया, मैं क्या जानू इतने सारे सारे कहाँ से आ गए। लगता है भैया कार्टून कैट का बदला लेने आए हैं। ओए अभी दिलाता हूँ ना मुन्ना बदला, ये ले देख मुन्ना, ऐसे मारा जाता है। हे भैया देखिए, ये लोग वहीं पर झुंड बनाकर खड़े हैं जहाँ पर भैया हमने कार्टून कैट और कार्टून डॉग को भी मारा था भैया। और वो तो सही है, लेकिन मुन्ना ये कितने हैं? हे भैया इनकी देखिए भैया, ये तो पता नहीं कितने सारे हैं। ओए लेकिन उधर क्या कर रहा है, नीचे देख क्या रहा है मुन्ना? हे भैया, उधर हम लोगों ने कार्टून डॉग को मारा था। लगता है भैया कार्टून कैट को तो अभी देखा ही नहीं। भैया लगता है ये लोग बहुत गुस्से में है। ओए मुन्ना गुस्से में नहीं, रुक जा, अभी इन लोगों को बताता हूँ। ओ तो भूल गया क्या गॉड आर्मर के बारे में? हाँ भैया मुझे याद है, लेकिन भैया बहुत सारे हैं ये। ओए तो मुन्ना क्या हो गया, बहुत सारे हैं, सबको देख लेंगे एक एक करके, तू टेंशन ना ले मुन्ना। हे भैया आ रहा पीछे। ओए आने दे मुन्ना, थोड़ा थोड़ा कर कर मारेंगे। ओए अकेला ही आ रहा है क्या नमूने, निकल ले, ये देख मुन्ना एक झटके में मर गया ये तो। लेकिन भैया उधर देखिए बहुत सारा झुंड है। ओए मुन्ना आधे आधे खुलाते, ओ ये क्या कुछ ज्यादा ही आ गए। ए भैया पीछे भागे। ओए पीछे नहीं भागने वाला मुन्ना, अब हो गया आधे उधर आधे इधर, अब इनको तोड़ने मजा आएगा, थोड़ा सा और पीछे आ जाओ नमूनो। ओए अब ये जैक हमला करेगा और सबको तुम लोग को तोड़ फोड़ देगा, ये लो निकल लो नमूनो। हे भैया आपने तो कमाल ही कर दिया, ओए अभी देख धोती फाड़ के रुमाल भी करूंगा, ये ले। ओए मर जाओगे, सभी मरोगे नमूनो। ओए तू क्यों बचा हुआ है, निकल ले तू भी, ये ले मुन्ना, आधों को तो मार दिया। नहीं भैया अभी आधे नहीं मरे, अभी तो भैया बहुत सारे हैं उधर साइड। ओए इसी तरह मुन्ना लाल आके मारते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत सारे हैं। ओए ये क्या बहुत सारे, मुन्ना भाग ले जल्दी से। हे भैया भागे जल्दी से। ओए ये क्या झुंड बनाकर खड़े थे, पता ही नहीं चल रहा था। हाँ भैया ये देखिए भैया कितने सारे हेड ही हेड है। ओए नमूना तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, निकल लो यहाँ से। हे भैया मुझे लगता है आपको इन्हें इंट पोर्टल तक ले जाना चाहिए और भैया उसके अंदर इन लोगों को डाल देना चाहिए। और रुक जाओ मुन्ना, वैसे प्लान तो सही है। ओए आ जाओ। ओए तो जा ही नहीं रहे। हे भैया जा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा? देखिए भैया बहुत सारे लगता है चले भी गए। ओ तो इनको तोड़ते हैं ना औरों को। ओए निकल लो, ओए तू भी टूटेगा, ये ले। ओए कार्टून कैट का बदला लोगे, ये लो। ओए ये क्या हम भी इंटर पोर्टल के अंदर आ गए। हे भैया यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ओए ये क्या आ गए। ओए मुन्ना यहाँ तो और भी बहुत सारे हैं। हाँ भैया तो इनको तोड़िए ना, देख क्या रहे इन्हें। ओ तोड़ रहा हूँ, बहुत सारे हैं मुन्ना, रुक जा थोड़ा सा। हे भैया लेकिन भैया अगर ये गॉड आर्मर ना होता तो भैया हम लोग बच भी ना पाते। ओए तू क्यों अकेला बचा है, तू भी निपट ले। हे भैया चलिए अपने असली वर्ल्ड में चलते हैं और उनका भी भैया आप खात्मा कर ही देते हैं ना। ओए बात सही कही मुन्ना, बहुत हो गया भागते भागते, अब तो मुन्ना इनको तोड़ना फोड़ना पड़ेगा ही। चलिए भैया पोर्टल के अंदर जल्दी चलते हैं और जल्दी से इन लोगों का भी काम तमाम कर देते हैं भैया। हे भैया खाना खा के तैयार हो जाइए। ओए मुन्ना खा लिया खाना, तेरा भैया एवर रेडी भी हो चुका है, अब इनको नहीं छोड़ेगा, बहुत हो गया इन लोगों का। आज तो मुन्ना बहुत सारे नमूने आ गए, पहले तो कार्टून कैट वगैरह आई और उसके बाद ये सायरन हेड आ गए, और भैया उससे पहले हम लोगों ने वेदर ड्रैगन को तोड़ा था और तब इन लोगों को भी तोड़ेंगे। ओए मुन्ना इतने सारे, लेकिन सारे आ कहाँ से गए? ओ ये तो निपट गए। ओ तुम लोग भी निपट ही जा जल्दी से। ओ नहीं छोड़ूंगा, एक एक को तोड़ दूंगा। हे नहीं छोड़ूंगा, भैया को क्यों मारते हो, ये लो नहीं छोड़ूंगा। ओए मुन्ना ये तेरे भैया को टच कर कर भी दिखा दे। हे भैया टच कर कर गया, मार रहे हैं भैया हम लोग को, जल्दी मारिए भैया। ओए मार तो रहा हूँ मुन्ना, रुक जा, एक तलवार में कितने लोग निपटेंगे, और कितने बचे अभी, तू भी निपट ले। ओए मुन्ना मार दिया। ओए लेकिन अभी भी सायरन की आवाज़ आ रही है। हे भैया मरने के बाद भी इनकी थोड़ी देर तक आवाज़ ऐसे ही आती रहती है। लेकिन भैया फाइनली जाकर हम लोगों ने मार दिया इन लोगों को। हे भैया आज तो पूरी तरह से मैं बहुत थक गया हूँ, और भैया हम लोग की बैंड भी बहुत सारी बज गई। ओह मुन्ना बज तो गई बैंड, कार्टून कैट ने दो बार बैंड बजा दी। हाँ भैया अगर ये गॉड आर्मर ना होता तो हम लोग बच भी नहीं पाते, लेकिन भैया कुछ भी हो मजा आया। ओए पिगी तू आ गया के इंड पोर्टल से, चल बहुत बढ़िया हुआ, पता नहीं अंदर ही चला गया था।
है भैया। चलिए आज के लिए तो भैया बहुत हो गया। हे गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइस इससे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आजकल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इसीलिए जल्दी सब्सक्राइब कर दो। हाँ गाइस, क्योंकि हम लोग को 300K की फैमिली कंप्लीट करनी है ना, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना यार। तो गाइस सब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय। Thank you.